सदाबहार का पौधा आमतौर पर लोग अपने घरों में लगाते हैं। सदाबहार या विंका प्लांट भारत में सबसे आम पौधा है, जिसे घर पर बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इसे सदा सुहागन, पेरीविंकल और विंका सहित कई नामों से जाना जाता है। तो आज का मेरा वीडियो विंका प्लांट केयर के ऊपर है, जिसमें हम इसकी मिट्टी, पॉट साइज, सनलाइट, खाद, इसे ग्रो करने के तरीके और कुछ इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। विंका प्लांट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए आप वेल ड्रेन्ड सोइल का ही यूज़ करें। इसके अलावा इसमें 35% गार्डन सोइल, 15% कोकोपीट, 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% रिवर सैंड का यूज़ करें। अब बात करते हैं कि इसमें इसके लिए कौन सा पॉट या गमला सही रहता है। तो सदाबहार प्लांट को ग्रो करने के लिए 10 इंच का गमला बेस्ट रहता है। सदाबहार के पौधे को बढ़ने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। इसे लगभग हर दिन 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए। इसी में यह पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छी तरह से बढ़ता है और फूल भी ज़्यादा आते हैं। अब हमें विंका प्लांट को उगाने के लिए खाद का यूज़ कैसे करना चाहिए? तो आई थिंक सदाबहार को महीने में एक बार खाद की ज़रूरत तो होती ही है। इससे आपका प्लांट हेल्दी रहता है और उसमें फूल भी ज़्यादा अच्छे से आते हैं। इसके लिए बेस्ट खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का यूज़ कर सकते हैं और आप अपने किचन के वेस्ट से भी घर पर ही खाद बनाकर इसमें डाल सकते हैं। इससे प्लांट को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। सदाबहार प्लांट को ग्रो करने के 2 तरीके हैं। आप इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसी तरीके से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। पहला तरीका है बीज यानी कि सीड से ग्रो करना। इसके लिए आपको सीडलिंग ट्रे में पॉटिंग मिक्स जो आपने बनाया है उसमें पानी डालकर थोड़ा गीला कर दें। अब इसके हर हिस्से में 2 से 3 बीज रखकर उसके ऊपर पॉटिंग मिक्स की एक और लेयर डाल दें और उस पर हल्का हल्का पानी स्प्रे कर दें। अब सीडलिंग ट्रे को आंशिक धूप वाली जगह पर रख दें। 6 से 10 दिन में बीज अंकुरित हो जाएंगे। तब 30 से 40 दिन के बाद आप इसे अपने गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब गमले को धूप वाली जगह पर रख दें। इस तरह से बीज से विंका प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आप कटिंग से इस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी सदाबहार पौधे से 3 से 4 हेल्दी कटिंग लेनी होगी। कटिंग की लंबाई 4 से 5 इंच तक होनी चाहिए। कटिंग के नीचे से पत्तियों को हटा दें, फिर एक 6 इंच के पॉट में मिट्टी डालें और इन कटिंग को उसमें लगा दें। इस पॉट को ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी धूप ना आती हो। मिट्टी में पानी डालें। एक बार जब से कटिंग बड़ी होने लग जाए तब इनको आप किसी बड़े पॉट या गमले में ट्रांसप्लांट कर दें और इसे सीधी धूप वाली जगह पर रख दें। इस तरह से आप सदाबहार पौधे की कटिंग से भी आसानी से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिनका यूज़ करके आप अपने सदाबहार प्लांट को हरा भरा और फूलों वाला हेल्दी पौधा बना सकते हैं। सबसे पहले तो सदाबहार पौधे की पत्तियों को पीली होने से बचाएं। इसके लिए ज़्यादा पानी डालने से बचें। मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाए तभी इसमें पानी डालें। इससे इसकी पत्तियां पीली नहीं होंगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। दूसरी ज़रूरी बात है कि इस पौधे की मिट्टी अम्लीय यानी कि एसिडिक होनी चाहिए। इससे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प होगी। इसके लिए आप मिट्टी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच विनेगर मिला करके डालें। ज़्यादा तेज़ बारिश से पौधे को बचाएं। ज़्यादा बारिश में पौधे में फंगस लगने का डर बना रहता है। तीसरी बात, आप इस प्लांट की समय समय पर प्रूनिंग जरूर करें। इससे पौधा घना बना रहेगा और उसमें फूल भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। अब मैं आपको सदाबहार प्लांट के कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी बता देती हूँ। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने में हेल्प करते हैं। साथ ही इस पौधे में एल्केलाइड्स भी पाया जाता है जिसका यूज़ कई सारी मेडिसिन में किया जाता है और इस पौधे में याददाश्त को सुधारने के गुण भी पाए जाते हैं। तो है ना यह पौधा बहुत फ़ायदेमंद।
नाउ आई होप आपको सदाबहार पौधे की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक तो बनता ही है ना? ओके देन, फिर मिलेंगे मेरी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।